एक बालक था गोपाल, वह विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल ना कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कहा। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए, और जो हल करके लाए भी उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। अध्यापक ने गोपाल की कॉपी लेकर उत्तर जांचा तो वह बिल्कुल ठीक था। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह सिर नीचे करके खड़ा रहा। ज्यों ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करते, त्यों त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट फूट कर रोने लगा। अध्यापक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुमने तो प्रश्न को सही हल कर लिया है, फिर भला क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। ये प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है, इसे मैंने अपने मित्र से हल करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर आया। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य ही देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे।